अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की गुलाबों सितावों के बाद एक और बड़ी फिल्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। कौन सी फिल्म है ये, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बहुत बड़ी फिल्म है जो 8 मई को रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म का इंतजार हर कोई कर रहा था। फिल्म का नाम है शकुंतला देवी। जी हाँ, ह्यूमन कैलकुलेटर मैथमेटिक मैजिशियन के नाम से जानी जाती शकुंतला देवी पर ये फिल्म जो है आधारित है, बायोपिक है। और इस फिल्म के अमेजोन पर रिलीज की घोषणा खुद विद्या बालन ने अपने इंस्टा पोस्ट से की है और नए पोस्टर को रिलीज किया है। उनके एक हाथ में मैथमेटिक साइंस है, बॉब कट है, बहुत ही अलग अंदाज है। और वो लिखती हैं, डिलाइटेड टू अनाउंस दैट यू विल गेट टू सी शकुंतला देवी वेरी सून ऑन प्राइम वीडियो इंडिया विद ऑल यूर लव थ्रिल that we will be able to entertain you in these unprecedented times. तो कहीं ना कहीं ये फिल्म भी जो है अब रिलीज होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अनु मैनन ने इसका निर्देशन किया है। पिछले साल सितंबर में इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, नवंबर तक खत्म हो गई थी। और ये फिल्म जो है बायोपिक है और ये 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन जिस तरह के हालात है, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए अब फिलहाल इस फिल्म को अमेजोन पर रिलीज करने का मन बना लिया गया है। हालांकि रिलीज डेट अभी तक नहीं बताई गई है। इसमें जीशु सेन गुप्ता, अमित सार और सानिया मल्होत्रा विद्या बालन के साथ आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये फिल्म भी जो है अब ओटीटी पर रिलीज होगी, यानी कि गुलाबों सितावों के बाद अब ये दूसरी फिल्म है जिसको ओटीटी पर रिलीज की घोषणा कर दी गई है।